जय दयानंद। अभी दयानंद विद्यालय में आदर्श दिनचर्या प्रतियोगिता चल रही है, जिसमें सभी बालक बहुत ही मन से भाग ले रहे हैं। मैं आप सब लोगों को उन बालकों से भी मिलाऊंगा जिनमें कुछ परिवर्तन आया निश्चित रूप से। आदर्श दिनचर्या प्रतियोगिता में ये बालक आदर्श दिनचर्या प्रतियोगिता का पत्रक लेकर जा रहे हैं। अंजू इधर आओ, देखें अपने कक्षा 12वीं साइंस की बहन है अंजू प्रजापत। बेटा पालन ठीक से हो पा रहा है? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा, इस आदर्श दिनचर्या प्रतियोगिता से और कितना परिवर्तन आया? आप मतलब पढ़ पा रही हो या पहले पढ़ती थी वैसे ही चल रहा है या कुछ परिवर्तन आया है? बहुत कुछ परिवर्तन आया है। क्या आया, जैसे एक दो कोई बात? जैसे पहले जल्दी नहीं उठा जाता था, अब उठ पाते हैं, बहुत अच्छी तरह से अध्ययन होता है। अच्छा। और रात्रि शयन भी समय पर हो जाता है, सभी क्रियाएं अच्छी तरह से हो जाती है। इसमें योग प्राणायाम लिखा हुआ है, 12वीं साइंस की स्टूडेंट हो आप, योग प्राणायाम भी करती हो? हाँ करते हैं। और जो अन्य भैया बहन देख रहे हैं इस वीडियो को, उनको आप क्या कहना चाहोगी? मैं उनको भी इसी प्रकार की दिनचर्या का पालन करने का कहना चाहती हूँ। ये बहुत ही आदर्श दिनचर्या है जिससे आपका जीवन निर्माण हो सकता है। तो अन्य बालकों से भी पूछेंगे, आपकी कक्षा बताइए पहले तो, नाम और कक्षा। नाम तोशिता, कक्षा 10वीं। ये दिनचर्या प्रतियोगिता का आप पालन कर रही हो? यस सर। अच्छा, क्या मतलब विशेष क्या लगा इस प्रतियोगिता में आपको? सर विशेष तो इसमें हमें निर्धारित समय मिला पढ़ाई करने का, और योग प्राणायाम से हमें और भी तंदुरुस्त रहे हम, मतलब डेली करने से। आप कितने घंटे पढ़ लेती हो वैसे घर पर? वैसे सर दिनचर्या के हिसाब से तो पूरा होता है 5 घंटे। 5 घंटे? अच्छा। और मन से सर 1 घंटा और। 6 घंटे पढ़ती हो कुल मिलाकर। और पहले दिनचर्या प्रतियोगिता से पहले कितने घंटे पढ़ती थी? सर पहले निर्धारित समय नहीं था तो 2 या 3 घंटे पा रही हो। मैं पहले 2 घंटे पढ़ पाती थी, इस दिनचर्या प्रतियोगिता को शुरू करने के बाद मैं 5 घंटे पढ़ पाती हूँ, और मैं हमेशा इस दिनचर्या प्रतियोगिता के बाद मैं जल्द। आप कुछ कहना चाहोगी दिनचर्या प्रतियोगिता के बारे में? हाँ, इससे मेरे जीवन में भी बहुत परिवर्तन आया, जैसे कि मैं पहले 5 बजे नहीं उठ पाती थी। निशा, अब मैं 5 बजे में देर रात्रि तक पढ़ाई करती थी, सुबह लेट उठती थी। अब 4:30-5 बजे उठ जाती हूँ, और उसके बाद मैं स्नान करके योग प्राणायाम करती हूँ, और उसके बाद मैं 2 घंटे तक सुबह पढ़ाई करती हूँ, और शाम को 3, 3:30 या 4 घंटे के लगभग पढ़ाई कर लेती हूँ। बहुत अच्छा लग रहा है कुल मिला करके। हाँ। दिनचर्या प्रतियोगिता से क्या परिवर्तन आया ये बताओ? इसके दौरान सभी कार्य सही समय पर पूर्ण हो जाते हैं, सब हो जाते हैं। योग व्यायाम, शारीरिक खेल कूद ये बताया हुआ करती हो? हाँ, योग प्राणायाम तो सुबह कर लेती हूँ, और खेल शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में, और घर का कार्य 6 से 7 के। आप दिनचर्या प्रतियोगिता का पालन कर रहे हैं? हाँ। अच्छा, क्या परिवर्तन आया आपके जीवन में दिनचर्या प्रतियोगिता का? पहले मैं जल्दी नहीं उठता था, अब मैं सुबह 5 बजे उठ जाता हूँ, और पहले मैं योग प्राणायाम भी नहीं करता था, अब मैं योग प्राणायाम भी करता हूँ। ये बात केवल माइक पर कैमरे पर बोलने के लिए है कि वास्तव में कर रहे हो? वास्तव में। अच्छा, अभी पढ़ते कितने घंटे हो आप? 5 घंटे। और पहले आदर्श दिनचर्या शुरू होने के बाद में मैं जल्दी उठने की आदत सी बन गई है, और पहले यह सब नहीं हो पाता था। जी हाँ जरूर, आदर्श दिनचर्या का हमारे जीवन पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ा है। पहले मैं सुबह जल्दी नहीं उठ पा रहा था, अभी मैं 5 बजे उठ जाता हूँ, और रात 11 बजे तक मैं अध्ययन करता हूँ। इससे मेरा जीवन काफ़ी हद तक बेहतर हो गया, इसके लिए मैं विद्यालय परिवार को धन्यवाद देता हूँ। आप कितने घंटे पढ़ लेते हो? मैं 5 घंटा। 5 घंटे अभी पढ़ रहे हो, पहले कितने घंटे पढ़ते थे? पहले 1-2 घंटे। अच्छा, यानी आदर्श दिनचर्या प्रतियोगिता से निश्चित रूप से परिवर्तन आ रहे हैं, और मैं सभी अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि आप भी इसमें सजगता से पत्रक चेक करें, पत्रक का निरीक्षण करें, और बालकों का उत्साहवर्धन करें। जय दयानंद।